स्टूडेंट लॉक धोनी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 का मैथ्स क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्युनिटी प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 4 और हम कह रहे क्रम विनिमय। आप यहाँ पर शब्द पर ध्यान दें, विनिमय मतलब अदला बदली, एक्सचेंज। अब किसका अदला बदली? क्रम, जो उसका क्रम है आगे वाला पीछे हो जाना, पीछे वाला आगे हो जाना, यही क्रम विनिमय हुआ। तो इसको हम लोग गणित में कैसे उपयोग करेंगे इस नियम को समझते हैं। जैसे संख्या दिया हुआ 3 और 4, ये संख्या बराबर नहीं है। अब प्रश्न ये कहा गया कि इसमें कुछ कोई भी संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, उसको जोड़े हम दोनों तरफ और वो फिर दोनों संख्या का सम जो है योग वो बराबर हो जाए। तब हम एक काम करते हैं कि यहाँ 3 में कितना जोड़ देते हैं, 4, और यहाँ 4 में कितना जोड़ दिए, 3। अब देखिए 3 जोड़ 4 बराबर 7 और 4 जोड़ 3 बराबर 7, उसका योग बराबर हो गया। दूसरा चीज इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रम में कि 3 में 4 जोड़ रहे हैं और यहाँ का क्रम में 4 में 3 जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ने का जो क्रम है वो हम लोग बदल दिए, लेकिन उसका जो आंसर है, उसका जो योग है, वो परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्रम विनिमय यही कहता है, इसको कहते हैं क्रम विनिमय का योग नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि अगर दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं और उन दोनों संख्याओं का क्रम परिवर्तन कर दिया जाए, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे, तो उसके योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की बात कि ये जो क्रम विनिमय नियम है, इसमें आप एक चीज क्या ध्यान दीजिएगा, 3 जोड़ 4, मान लीजिए कि आपके पास 3 रुपया है और आपके दोस्त के पास 4 रुपया है, ठीक। अब सवाल है कि इसको कितना रुपया दिया जाए और इसको कितना दिया जाए कि दोनों को बराबर हो जाए। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि अगर हम अपने इस दोस्त को 4 रुपया दे दें और इस दोस्त को हम 3 रुपया दे दें, तो दोनों के पास 7-7 रुपया हो गया। तो इससे हम लोग इस उदाहरण से क्या समझ रहे हैं, इससे ये समझ रहे हैं कि इस क्रम में कह रहा है कि 3 में आप 4 जोड़ रहे हैं, यानी 3 है 4 को बाद में जोड़े, और यहां कहता है कि 4 है और 3 जोड़े। तो ये अंतर को थोड़ा सा समझिएगा, क्रम जो परिवर्तन होता है तो उसका जो अर्थ होता है वो भी बदल जाता है। अर्थात इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या है। इसको क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। अब हम लोग मान लीजिए कोई दूसरी संख्या भी लेके काम कर सकते हैं, लेकिन बार बार संख्या लेने से अच्छा इसको हम लोग सरल करें और इसको जनरलाइज करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, इसमें जोड़ रहे बी, ए जोड़ बी, तो इसका क्रम बदल देंगे तो बी पहले हो जाएगा और ए बाद में हो जाएगा, अर्थात ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। क्रम परिवर्तन करने से योग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसी को बोला गया क्रम विनिमय नियम। लेकिन क्या क्रम विनिमय नियम जो है अगर हम लोग योग पर अप्लाई करते हैं और सही होता है तो क्या घटाव पर भी क्रम विनिमय नियम हो सकता है? तब हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम अगर हम लोग यहाँ लिए 5 और घटाओ 3 और यहाँ क्रम को बदल दे, कर दे 3 घटाओ 5, तो ये बराबर होगा नहीं होगा। अब ये बराबर नहीं होगा, इसके मतलब क्रम विनिमय नियम योग पर तो अप्लाई हो रहा है लेकिन घटाव पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग घटाव का क्रम विनिमय नियम नहीं बोलते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम बोला जाता है। चलिए हम इसके बाद आपको दूसरे वीडियो में इसका बात करेंगे।